देखिए वो उनकी प्रक्रिया है, हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीजें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ थी। जी, मेरे आने तक नहीं हुआ था अभी। और दूसरी चीज, जिस तरह से तमाम घटनाक्रम चेंज हो रहा है जब से यह चीज आई है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया है, उसके बाद से मायावती हो, तमाम लीडर्स जो ट्वीट कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? नहीं देखिए, मैंने किसी के ट्वीट्स नहीं देखे हैं, ना मुझे न्यूज देखने का टाइम है। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। जांच को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से स्लो पॉइजन और तमाम तरह की बातें की जा रही हूँ मैं। एक दो दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। शक हुआ है आपको? शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। देखिए वो उनकी प्रक्रिया है, हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीजें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ थी। जी, मेरे आने तक नहीं हुआ था अभी। और दूसरी चीज, जिस तरह से तमाम घटनाक्रम चेंज हो रहा है जब से यह चीज आई है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया है, उसके बाद से मायावती हो, तमाम लीडर्स जो ट्वीट कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? नहीं देखिए, मैंने किसी के ट्वीट्स नहीं देखे हैं, ना मुझे न्यूज देखने का टाइम है। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। जांच को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से स्लो पॉइजन और तमाम तरह की बातें की जा रही हूँ मैं। एक दो दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। शक हुआ है आपको? शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।